हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप देख रहे हैं सतीश का टिप्स। तो आपको हम बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लॉकडाउन में चली पहली स्पेशल ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड हुई रवाना। तो इस न्यूज़ पे आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों और छात्र के अलग अलग हिस्से में फंसे हैं, मगर इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली स्पेशल ट्रेन खोल दी है। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज यानी शुक्रवार को रवाना हो गई है। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए यह किसी बड़े राहत से कम नहीं है। हालांकि आगे और कितनी ट्रेनें चलेंगी अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बे में लगभग 1200 प्रवासी हैं, अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी या नहीं इस पर निर्णय आज लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन आज सुबह 4:50 पर तेलंगाना से लिंगमपल्ली से खुली और जो झारखंड के हटिया जा रही है। दरअसल लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार जैसे अन्य राज्य केंद्र सरकार पर विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपने प्रवासियों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की गुहार लगाई है। सुनील कुमार मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया, मैं विशेष ट्रेन से प्रवासियों की घर वापसी के लिए भारत सरकार से अपील करता हूं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रवासियों की घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।